Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came a bit for all of you, those who are going to appear in upcoming examination. आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ना कि आप लोग के पास जो भी रिमेनिंग समय बचा है वो सफिशियंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दिमाग में रखो कि जितना भी रिमेनिंग समय बचा है वो आप लोग के लिए बिल्कुल भी सफिशियंट है. आप इजिली अभी भी अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो, मतलब रिविजन अभी भी स्टार्ट करते हो, तो आप इतनी एग्जाम पास कर सकते हो. ओके ऐसा अगर मोटिवेशन अगर आपका दिमाग में रहेगा तो पिछली पास कर सकते हो. हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है. एग्जाम पास करने के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना. कोई फ्रेंड अगर आपको डीमोटिवेट भी करता है ना, तो उसके बात में मत आना. हमेशा अपना दिमाग यूटिलाइज करना और अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छा से पढ़ाई करो. चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ आप लोग के पास कितना रिमेनिंग समय बचा है. आप कैलकुलेट कर सकते हो. टूडे डेट इज 15 जुलाई. सोचो 15 जुलाई हो गया और 15 जुलाई हो गया तो 15 इधर कंप्लीट हो गया तो 15 बचेगा इसमें जुलाई में. 15 डेज रिमेनिंग इन जुलाई मंथ. एंड इफ यू कैलकुलेट ए फुल मंथ ऑफ अगस्त आल्सो, देन इट्स 15 इधर और 30 उधर, तो 45 डेज. ओके इफ यू आर एक्सपेक्टिंग डेट एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन सितंबर ना, देन आप लोगों के पास अभी भी 45 डेज है. Then 45 days is sufficient. First of all, I will tell you that na 45 days is sufficient. If you are going to appear in one group na, to one group bhi agar aap appear karne chahte ho, to bhi aap log ke paas 45 days hai. To 45 days mein aap usko agar aap better utilization karte ho, to 10 days per paper abhi bhi aap de sakte ho. Every day na aap pe मैं तो बोलता हूँ कि आप एवरी डे दो दो पेपर पढ़ो, दो एवरी डे टू पेपर. अब अगर आप पढ़ते हो, एक थ्योरी पढ़ो एक प्रैक्टिकल पढ़ो. हमेशा जब भी पढ़ो तो अगर थ्योरी अभी पढ़ रहे हो तो अगर थ्योरी से अगर बोर हो गए तो फिर प्रैक्टिकल पे आओ, फिर प्रैक्टिकल से बोर हो रहे तो थ्योरी पे आओ. एवरी टाइम यू हैव टू स्टडी बोथ. आप मिक्स करके पढ़ो प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ करके साथ में, ठीक है. तो अगर आप ये ग्रुप अपीयर करना चाहते हो, करने जा रहे हो इस बार, तो एक ग्रुप तो अभी भी आप लोग के पास 10 डेज बचा है. डेट मीन्स कि आप लोग के पास 10 दिन बचा एक पेपर के लिए, ठीक है. तो आप इजिली आराम से पास करते हो. 10 दिन ना एक पेपर के लिए बहुत ज्यादा होता है, आप इजिली पास कर जाओगे. 10 दिन बचा है एक पेपर के लिए सफिशियंट. इफ यू आर एक्सपेक्टेड एट एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन सितंबर मंथ, तब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो देखो 10 दिन सफिशियंट होता है. आप मैं बता रहा हूँ, अब जितना भी पढ़े थे, जितना भी स्टडी मटेरियल, आप जो भी टीचर से कोचिंग लिए थे, ठीक है, उनका जो भी कोचिंग लिए थे उनका स्टडी मटेरियल आप थोड़ा साइड रखो. और अब समय आ गया जो CMA इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको यूज करने का, उसको पढ़ने का, ठीक है. उसको लाइन बाय लाइन आप उसको कवरेज करो, ठीक है. पॉइंट बाय पॉइंट उसको कवरेज करो. एक एक सम देखो कि कौन सा सम है जो कि आपको जो जहाँ भी कोचिंग क्लासेस लिए थे वहाँ पे उस टाइप का सम सॉल्व नहीं करवाए तो उस सम को बनाओ. थ्योरी पोर्शन है जो भी आपका स्टेटमेंट में उसको देखो. इवन प्रैक्टिकल पेपर में जो भी थ्योरी होता है उसको भी थोड़ा देखो, क्योंकि एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन हो, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ना थ्योरिटिकल पोर्शन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में, ठीक है. तो आप लोग को ये सब को जो पॉइंट में बताया आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को होगा, ठीक है. एंड इफ़ यू आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग टू अपीयर बोथ ग्रुप इन अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो आप लोग के पास अभी भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फाइव डेज पर पेपर आप लोग के पास रिमेनिंग बचा है. फाइव डेज पर पेपर. इफ यू आर फाइव डेज पर पेपर है ना, तो भी आप पे मैं बताता हूँ आप लोग के पास थोड़ा सा है रिस्क है कि फाइव डेज में तो एक पेपर नहीं होता. बट अगर आप पहले से पढ़ लिए हो तो पिछली 5-5 दिन में रिवाइज अच्छे से करो और एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है तो अच्छे से मोटिवेट हो, हमेशा मोटिवेट रहो और पढ़ाई करते जाओ, ठीक है. और मैं बता देता हूँ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है हिमांशु रंजन क्लासेस, आप उस पर ज्वाइन भी कर सकते हो. मेरे क्लासेस से रिलेटेड जितना भी PDF होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. और इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग देन यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है. देखिए वीडियो एंड करने के पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसा वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कि आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि टोटल वीडियोस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसा वीडियोस है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना की इच्छा तो देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं बताता हूँ जो भी CMA इंटर का स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फॉर CMA इंटर स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू CMA इंटरमीडिएट का लॉ MCQ, CMA इंटरमीडिएट ऑडिट MCQ, CMA इंटरमीडिएट GST MCQ, CMA इंटरमीडिएट कोस्टिंग का MCQ, CMA इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन MCQ, ऑल दिस वीडियोज आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माई YouTube चैनल, ठीक है. YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और हर एक पेपर्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. इफ डिडेंट सी प्लीज चेक आउट माई प्लेलिस्ट, यू विल गेट ऑल द वीडियोज फ्रॉम देयर. ओके
अगर इस वीडियो को फाइनल का स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो फॉर फाइनल स्टूडेंट्स आई विल टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सीएमए फाइनल लॉ एमसीक्यू, सीएमए फाइनल कोस्ट ऑडिट एमसीक्यू, सीएमए फाइनल एसपीएम एमसीक्यू, सीएमए फाइनल जीएसटी एमसीक्यू. ऑल दिस वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल. इफ यू डिडंट सी प्लीज चेक आउट माय प्लेलिस्ट, यू विल गेट ऑल द वीडियोस फ्रॉम देयर. ठीक है, तो ये सब आप लोग को देख लेना. अगर एग्जामिनेशन हो सकता है कि अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर होता है तो आपको पता है अर्लियर जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो प्रीवियस अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ था. तो मैंने पेपर जो पैटर्न था लास्ट अटेम्प्ट का वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपको पेपर पैटर्न देखना तो आप मेरा पेपर पैटर्न जितना भी है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल टोटल 16 पेपर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड. ठीक है, ऑलरेडी 16 पेपर्स आर अपलोडेड, आप वहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, पेपर वाइज अपलोडेड, आप वहाँ से देख करके आराम से पढ़ाई करो और खुश रहा करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुश रहा करो. ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं. वीडियो